नमस्कार, आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और बहुत ही अनुकूल स्थिति के साथ में आपकी कनिष्ठा उंगली है, यानी बहुत अच्छी लंबाई है, किसी प्रकार से भी गुणों की कमी नहीं है, अच्छा ज्ञान है, सही निर्णय सही समय पर लेकर के जीवन में तरक्की करने की जो भी युक्तियाँ होती हैं वो सब आपके पास में मौजूद है, यानी बहुत ही सुंदर उंगली यहाँ पर आपके पास मौजूद है। आइए बात कर लेता हूँ आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ में बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति अपने इरादों का बहुत पक्का होता है और जब तक अपने काम को पूरा नहीं कर लेता वो किसी भी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, यानी जुनून ऐसे व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अपने लोगों के बीच में लोग उसको सुनते हैं, उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। थोड़ा सा व्यावहारिक पर्व में कभी कभी घमंड भी आ जाता है जब ये कटे हुए निशान सेकंड पर्व पर रहते हैं। तो बात कर लेते हैं आपके शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर थोड़ा सा टर्न लेकर के चलती हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब शनि नहीं कह सकता, कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या व्यावहारिक पर्व है तो अपनी पैसे की ज़्यादा कमाने की इच्छाओं की वजह से अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ रिस्क ले सकते हैं और उससे नुकसान उठा सकते हैं। यहाँ इस प्रकार के चिन्ह वर्तमान में बने हुए हैं, ये हमेशा के चिन्ह नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। अब बात करता हूँ हमें यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर बिल्कुल एकदम अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई उंगली। सेकेंड पर्व व्यावहारिक पर्व है और व्यावहारिक पर्व और साथ ही साथ ये संतान सुखकारक जहाँ उंगली है, पारिवारिक सुख के लिए जहाँ उंगली है, तो वहाँ थोड़ा हो सकता है कि कुछ भाग दौड़ की वजह से आप अपने घर में समय कम दे पाते हों, साथ ही साथ ईश्वर के इच्छा के ईश्वर की आस्था में आपका पूरा का पूरा विश्वास है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पास इन खड़ी हुई रेखाओं की। बहुत बेहतरीन खड़ी रेखाएँ ये जिस हाथ में हो जाती हैं व्यक्ति अपने प्रगति पथ पर लगातार बढ़ता चला जाता है, संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है और तरक्की के लिए जितनी रेखाएँ यहाँ खड़ी होंगी उतनी जीवन के अंदर उन्नति तरक्की ज़्यादा व्यक्ति के पास रहती है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ खड़ी हुई ये रेखाएँ, यानी कुल मिलाकर के जो आड़ी रेखा देख रही हैं बृहस्पति की तरफ, वो रेखाएँ हैं व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बड़े बड़े लोगों से संपर्क की, और साथ ही साथ यहाँ पर भी अच्छे चिन्ह मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं लगता कहीं के सरकारी उपक्रम का कोई रोल है, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छी कंपनियों में अच्छी जगह पर ऐसे व्यक्ति अच्छा खासा नौकरी करके अपना जीवन उन्नति प्रद के साथ प्राप्त करते हैं, कोई भी जीवन में दाग धब्बे लगने के कहीं पर कोई चांस दिखाई नहीं पड़ते। आइए बात कर लेते हैं आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व और शनि पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएँ, ये रेखा तो चली गई बड़े बड़े लोगों से संपर्क के लिए, और ये खड़ी हुई रेखाएँ जो होती हैं ये जितनी ज़्यादा यहाँ खड़ी रेखाएँ उतना ही व्यक्ति के पास ज़्यादा धन। तो आपकी 46 साल में मुझसे सवाल भी है एक, क्या जीवन में करोड़पति अरबपति बनूंगा? तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर करोड़पति की रेखा तो अभी विराजमान है, और यदि और भी खड़ी हुई रेखाएँ ज़्यादा हो गई यहाँ पर तो आप अरबपति, यदि कि मैंने 4 रेखाएँ खींची हैं, यदि अब मुझे नहीं चमक रही हैं और 6 से 7 रेखा यदि इस पर्वत के नीचे हैं तो वो अरबपति बना देती हैं व्यक्ति को। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ खड़ी हुई 2 रेखा ही व्यक्ति के पास हो जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, अपना मकान मिलता है, साथ ही साथ बनाता भी है खुद का मकान। और यहाँ पर ये जो सारी रेखाएँ शनि पर्वत को देख रही हैं ये ज्ञान की योजना के द्वारा व्यक्ति के साथ व्यक्ति को धन के अर्जन करवाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर बृहस्पति पर्वत यहाँ अनुकूल स्थिति में है, तो ईश्वर कृपा है किसी भी प्रकार से आपके ज्ञान की आपके पास कोई भी कमी नहीं है। आइए आपकी बात तो कर लेता हूँ मैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा का जो रेखा पूरी तरीके से नहीं पहुँची है, थोड़ा शनि पर्व के नीचे ये लगभग लगभग रह गई है और थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से दूषित भी हुई है। तो कुल मिलाकर मैं इस बात को आपको कहूँगा, जब तक शनि पर्व के नीचे जब जब रेखा पहुँच जाती है तो व्यक्ति थोड़ा अपने स्वभाव के अंदर मक्कारी का इस्तेमाल भी कर लेता है, यानी कि मौका परस्त भी ऐसा व्यक्ति होता है। साथ ही साथ
यहाँ पर कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। ऐसा व्यक्तियों के कई बार मैंने देखा, कई कई प्रेम प्रसंग भी होते हैं तो इस प्रकार का, और यहाँ कुछ हेल्थ के इंडिकेशंस भी आपके लिए ख़राब है, तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पर ध्यान करना होगा, या जैसे अपने जीवन में आप इनको ढालना चाहें ये आपका काम है। आइए बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं जरूर होनी चाहिए। ये रेखाएं होती हैं व्यक्ति के अंदर एनर्जी की रेखा, यानी कि इनके द्वारा व्यक्ति भागदौड़ करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ की रेखाएं, छोटी 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 बारीक रेखाएं, यानी आपके जीवन के अंदर यातायात बहुत ज़्यादा शामिल होना चाहिए या भाग दौड़ बहुत ज़्यादा शामिल होनी चाहिए, इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं बुद्ध पर्वत की तरफ जा रही हैं। यानी भाग दौड़ से ऐसा ही नहीं, व्यक्ति धन भी कमाता है। तो चलिए आपकी इस रेखा को बताया, अब बात करता हूँ मंगल पर्व से निकलने वाली ये बहुत शानदार सहयोगी रेखा की। ये सहयोगी रेखा आपके पास यहाँ पर जाकर के और सीधी सीधी शनि पर्व की तरफ देखती है। तो ये शनि पर्व को देखने वाली मंगल पर्व से निकल कर के रेखाएं, इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो जाना जाता है वो नौकरी के लिए जाना जाता है। यानी कि व्यक्ति अपनी नौकरी के द्वारा दूर स्थान से जुड़ कर के धन कमाता है, इस प्रकार को बनाने वाली ये योजना आपके पास में है। तो कुल मिलाकर नीचे के चंद्र पर्वत पर देखते हैं, इनका संबंध भी सारी की सारी आपकी आयु रेखा के साथ में, भाग्य रेखा के साथ में संबंध बना करके चल रहा है। यानी जीवन के अंदर यात्राएं तो आपके साथ में बहुत जुड़ी हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार विदेशों से जुड़ करके विदेशी यात्राएं भी कर जाता है, दूर दूर के स्थानों से बहुत आवागमन लगा रहता है। चलिए मैं एक बात करूँगा, आपके पास में ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा बुध पर्वत की तरफ जा करके, यानी कि और पत्नी के द्वारा लाभ, ससुराल से लाभ, और यात्राओं से लाभ, दूर स्थानों से यात्रा करके लाभ, इस तरह के संकेतों को जो शुक्र पर्वत से दिखलाने वाली ये रेखा, जब शुक्र पर्वत से निकलती है तो इस संकेत ही वाला और दोबारा वो संकेत फिर आया कि कई महिलाओं से संबंध को दर्शाने वाली रेखाओं को भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा यहाँ ये भाग्य, ये आपकी भाग्य रेखा बात करूँ, इससे पहले मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। बुद्धि रेखा और यहाँ जाकर के एकदम बुद्धि रेखा का ढलवा होकर के और सीधा सीधा चंद्र पर्वत पर ये बारीक रूप से दिखलाई नहीं दे रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये चंद्र पर्वत तक इसका इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि दूर स्थानों से योजनाएं व्यक्ति के पास ऐसी होती हैं कि दूर स्थानों से जुड़ कर के व्यक्ति धन प्राप्त करता है। तो यहाँ इस प्रकार का संबंध आपकी बुद्धि रेखा के अंदर जब ज़्यादा ढलवाएँ हो जाती है तो व्यक्ति कभी कभी ये भी सोचता है चलो मैं दो जगह हाथ मार लूँ, तीन जगह हाथ मार लूँ, इस तरह का यानी कि व्यक्ति के दिमाग में बात भी चलती रहती है। अब बात करूँगा यहाँ पर एक ये रेखा है, ये जीवन के लगभग लगभग कह सकते हैं आप इसको, यहाँ जो आयु रेखा से चली है ये लगभग लगभग ऐसा समझिए आप कि 48 से 50 वर्ष के बीच में भी आपको कोई अवसर आ रहा है अच्छा खासा धन कमाने का। तो ये बहुत ज़्यादा रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट बताया, थोड़ा सा यहाँ एक एक्स का चिन्ह है तो वो चरित्र के प्रति सावधानी, यहाँ पर एक्स का चिन्ह है केतु स्थान पर, ये चरित्र के प्रति सावधानी, किसी रोग के प्रति सावधानी, तो इस तरह का इन चिन्हों का अर्थ जाना जाता है। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर सीधा सीधा मंगल रेखा की। अभी मैंने मंगल रेखा को देखता हूँ, पहले मंगल रेखा ही संजीवनी रेखा काम करती है जो आपके जीवन में आपको 23 वर्ष से शुरू होकर के और आपके 74 वर्ष तक चली गई है, जो आपके जीवन के अंदर सभी मुसीबतों से आपको बचाएगी। अब बात करेंगे आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा स्वयं निर्मित, अपने कर्म के द्वारा स्वयं निर्मित भाग्य रेखा, आपने अपने कर्म से अपने भाग्य को निर्मित किया है। और ठीक ठाक यहाँ पर यदि इस समय एज की बात करें तो ये 46 पर एक एज यहाँ पर लगभग लगभग काट रही है, 46 तो नहीं लगभग कह सकते हैं 47 से 48 वर्ष में हो सकता है आप कोई बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करने अपने जीवन के अंदर जा रहे हो, हो सकता है किसी व्यापार में करें, हो सकता है किसी बच्चे की शादी विवाह में करें, आप किसी बड़ा मकान बनाने में करें, ऐसा यहाँ पर संकेत लगभग लगभग 48 से 49 वर्ष में नज़र आ रहा है। तो चलिए आपकी यहाँ सब रेखाओं के बारे में बताया, अब मैं पहले आपको थोड़ा सा एक सवाल का जवाब और दे दूँ, व्यापार या नौकरी या दोनों आपने पूछा,
देखिए व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है, यहाँ व्यापारिक रेखाएं आपके हाथ के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, या तो कोई ऐसा काम कीजिए जो ऑनलाइन वर्क हो आपका, तो ऑनलाइन कोई वर्क कर सकते हैं ऐसे काम से जुड़े, या इंटरनेट के द्वारा कोई आप काम करना चाहते हो तो उसके द्वारा करें, या कहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कोई मौका मिले तो ऐसा संबंध का कोई काम मिले आपको तो, या इंटरनेट से संबंधित कोई स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई का काम हो जो ऑनलाइन ही कर सकें, कुछ इस तरह का काम करने से आपके जीवन के अंदर यहाँ आपको व्यापार के द्वारा लाभ मिल सकता है। तो वो नौकरी तो आपको छोड़नी ही नहीं है। चलिए, आपने कहा फ्यूचर में फाइनेंस और सक्सेस कितनी है, जहाँ तक फाइनेंस सक्सेस की सवाल है, देखिए फाइनेंस की स्थिति तो आपकी ठीक ठाक है और सक्सेस के लिए भी कोई बहुत बुरा हाथ ये नहीं है, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि करोड़ों में तो आप पहुँच ही रहे हैं लगभग, और पहुँचने वाले भी और ज़्यादा भी, बाकी रेखाओं के मैंने बता भी दिया था कि वहाँ और ज़्यादा रेखाएँ आ जाए तो वो फिर आपको और ज़्यादा धन दिला देंगे। शुक्र पर्वत को देख लेते हैं, आइए शुक्र पर्वत को देखते हैं। शुक्र पर्वत यहाँ कुल मिलाकर के ठीक ठाक सुख पर्व है, यहाँ भी एक छोटा सा एक्स का चिन्ह यहाँ फिर मौजूद मिला मुझे, तो मैं कहूँगा अपने धन को कहीं फालतू में किसी के ऊपर खर्च ना करें, इस प्रकार का चिन्ह शुक्र पर्वत पर, सामान्य सुख सुविधाएं आपके पास में मौजूद हैं, तो यहाँ सुख पर्वत भी ठीक निकला। आयु रेखा भी बता देता हूँ आपकी, आपकी आयु रेखा यहाँ अभी वर्तमान में 77-78 वर्ष की चमक रही है, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, तो कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए संतान रेखा देख लेते हैं, दो संतान रेखाएं आपके हाथ से चमक रही हैं, बाकी जो है ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती हैं। तो चलिए, मैंने आपकी सारी रेखाओं को, पर्वों को, सब चीज़ों को बताया, अब मैं ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते जाएँ निरंतर रूप से, तो उसके लिए आपको एक तो बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनना है, पहन रखा है आपने तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का प्रसाद, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, जो कुछ भी आप कर सकते हैं हनुमान जी से संबंधित, उनके मंत्रों का जाप, उनका आप व्रत रखना चाहें, जितना आप ये करेंगे उतना आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।